हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थ्योरम है नेक्स्ट। कहना चाह रहा है कि इफ़ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, अगर एच जी का सब ग्रुप है, देन टू प्रूव दैट, नंबर वन आपको सिद्ध करना है आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच इज द सेम एज ऑफ जी। मतलब यह है कि ग्रुप के और सब ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों के दोनों सेम होते हैं। क्लियर है ना, समझ आती है मेरी बात। पहले वाला प्रूफ देना है कि ग्रुप का और सब ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों के दोनों सेम है। पहले वाले का प्रूफ की तरफ चलता हूँ। सपोज गिवन दैट क्या दे रखा है भाई, जी इज ए ग्रुप। क्लियर है ना, एंड तो जाहिर सी बात अगर जी ग्रुप है, जी नॉट इज इक्वल टू फाइव होगा। पहली बात तो ये है, जब जी नॉट इज इक्वल टू फाइव होगा, कोई ना कोई एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करता होगा। क्लियर, एंड एच इज सब ग्रुप ऑफ जी। एच जी का सब ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या निकलता है, एच जो है वो जी का सबसेट होगा। क्लियर, एच जी का सबसेट होगा ही होगा, और जाहिर सी बात है अगर सब ग्रुप है तो एच नॉट इज इक्वल टू फाइव होगा। अब ये देखो बेटा सबसेट क्या होता है। मान लिया मेरे पास ये कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4, बी कोई एलिमेंट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 एंड 3, तो जाहिर सी बात है बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है, लेकिन ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। फिर बता रहा हूँ, बी के दोनों एलिमेंट ए के अंदर रखे हुए हैं, जबकि ए के दो एलिमेंट बी के अंदर नहीं है, 2 और 4। तो जब बी का प्रत्येक एलिमेंट ए के अंदर है तो मैं लिखता हूँ कि बी पूरे तरीके से सबसेट है किसका, ए का। ये नोटेशन होता है लेटा हुआ यू सबसेट। क्लियर है ना, समझ आ चुकी। तो इसका मतलब ये निकलता है कि H का प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट होगा, सो दैट H इज सबसेट ऑफ G, सो दैट क्या होगा कि जो एलिमेंट ग्रुप के अंदर है वो एलिमेंट जो है ना सब ग्रुप के अंदर होगा ही होगा। मैंने उल्टा बोल दिया, जो एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर है वो एलिमेंट ग्रुप के अंदर होगा ही होगा, जो एलिमेंट सब सेट के अंदर है वो सेट के अंदर होगा ही होगा, लेकिन जो एलिमेंट सेट के अंदर है ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सब सेट के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी। आपके सामने है सबसेट का हर एक एलिमेंट सेट के अंदर 1, 3 इसके अंदर है, सेट का प्रत्येक एलिमेंट सबसेट के अंदर नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। क्लियर, मैं कह रहा हूँ एच सबसेट ऑफ जी, तो एच का प्रत्येक एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट होगा ही होगा, लेकिन ग्रुप का प्रत्येक एलिमेंट सब ग्रुप का एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर, मैंने क्या माना कि सपोज दैट, अलग अलग की बात करता हूँ, सपोज दैट द आइडेंटिटी ऑफ ऑफ जी इज इक्वल टू, मैंने ई मान ली। क्लियर, एंड सपोज दैट द आइडेंटिटी ऑफ एच इज इक्वल टू ई डैश मान ली। क्लियर, मेरे को प्रूफ करना है। नाउ टू प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, अब मेरे को साबित करना है, टू प्रूव दैट के भाई ई बराबर ई डैश है, अब मेरा टारगेट ये है। क्लियर, चलो आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना बेटा। मेरे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसका मतलब क्या निकलता है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इसका मतलब ये निकलता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एच, एच का प्रत्येक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज द एलिमेंट ऑफ, इज द एलिमेंट ऑफ जी। एच का प्रत्येक अवयव जे का अवयव होगा,
ओके। अब मैंने दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग ली है, मैंने कहा है कि ई की जो आइडेंटिटी है वो ग्रुप की आइडेंटिटी है, ई डैश जो आइडेंटिटी है वो सब ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर ए बिलोंग टू एच है तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग टू जी होगा ही होगा। अगर ए बिलोंग टू एच है तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग टू जी होगा ही होगा। कहोगे क्यों, एच सबसेट है जी का, ओके नो प्रॉब्लम। अब आइडेंटिटी की डेफिनेशन अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा रहा हूँ फॉर ग्रुप, ग्रुप के लिए ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, ई। एलिमेंट क्या है, ए। ई इंटू ए बराबर किसके होगा, ए के होगा ना, यही है ना। सब ग्रुप के लिए लगाता हूँ, फोर सब ग्रुप, सब ग्रुप के लिए देखता हूँ क्या होगा। सब ग्रुप की आइडेंटिटी कितनी है, ई डैश। ग्रुप का सब ग्रुप का एलिमेंट कितना है, एच। आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट से गुणा करते हो, क्या निकल करके आता है, एलिमेंट सेम निकल करके आता है ना, यही निकल करके आता है ना, क्लियर है ना। और ये डेफिनेशन कैसे होती है, ये ऐसे भी तो होती है, ए इंटू ई बराबर ई इंटू ए बराबर ए, और ई डैश इंटू ए बराबर ए इंटू ई डैश, क्लियर। दोनों देखो आप, यहाँ से मेरे पास निकल करके आ बेटा ए इंटू ई, यहाँ से देखो आप, सॉरी ई डैश है, ये गलती कर दी थी मैंने, मैं कह रहा हूँ ए इंटू ई डैश, ध्यान से देखना, ए इंटू ई डैश बराबर है ए के, बराबर है ए इंटू ई के, बराबर है ई इंटू ए के, बराबर है किसके, ए इंटू ई डैश के, चाहे जैसे लिख लो। तो आप इसको इसको दोनों को उठाओ, ये ए के बराबर और ये भी ए के बराबर, ये वाली ए के बराबर, ये वाली ए के बराबर, ये वाली ए के बराबर सब ग्रुप्स हैं, ये वाली ए के बराबर सब ग्रुप्स हैं। जब आप दोनों को उठाओगे, ए इंटू ई डैश बराबर कितना निकला, ए इंटू ई, लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, लेफ्ट एलिमेंट कैंसिल, तो कितना निकल गया बेटा, ई डैश इज इक्वल टू कितना निकल गया, ई निकल गया ना। ई किसकी ग्रुप, ई किसकी आइडेंटिटी थी, ई डैश जो थी, ई डैश आइडेंटिटी किसकी है भाई, आइडेंटिटी है ऑफ एच की है, मैंने एच की मान रखी है। देखो आप, इज इक्वल टू ई किसकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी ऑफ जी, दोनों बराबर हो चुकी। आपको तो पता है कि आइडेंटिटी का गुना किसी भी एलिमेंट के साथ अगर कर दिया जाए तो लौट करके वही एलिमेंट आता है, नो प्रॉब्लम। यहाँ से मैं कह सकता हूँ, आपके सामने है सब कुछ, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये एलिमेंट बराबर होंगे सारे के सारे, क्योंकि ए के बराबर है। मैंने ये वाला उठाया, ये वाला उठाया, लेफ्ट कैंसिलिंग लॉ लगाया, लेफ्ट एलिमेंट कट किए, ई डैश ई के बराबर आया, ई डैश मेरी आइडेंटिटी है सब ग्रुप की, ई आइडेंटिटी है ग्रुप की, यानी दोनों की आइडेंटिटी सेम, क्लियर। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट, मेरे को दिखाना है कि इनवर्स एलिमेंट दोनों के अंदर बराबर है, दोनों के इनवर्स एलिमेंट जो है ना सेम होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, वो तो होंगे ही होंगे लेकिन मेरे को प्रूफ देना है। द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी, क्या करना है कि टू प्रूव दैट इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच बराबर किसके हैं, इनवर्स एलिमेंट ऑफ, गलत लिख दिया कोई बात ना, आप समझ जाओगे, इनवर्स एलिमेंट ऑफ जी, आपको ये प्रूफ करना है, क्लियर है ना, या कुछ और प्रूफ करना है भाई, आगे देखता हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ भाई। पहली बात तो ये है, आपको गिवन क्या है, गिवन दैट जी इज ए ग्रुप, ओके। तो जब जी इज ए ग्रुप है, जी नॉट इज इक्वल टू फाइव होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे, क्लियर।
आगे गिवन दैट ए चीजें सब ग्रुप, ये भी आपको गिवन है, तो जाहिर सी बात है एच नॉट इजिकल टू फाइव होगा और एच जो है सबसेट होगा जी का सबसेट होगा, और जो एलिमेंट एच के अंदर होगा वो जी के अंदर होगा ही होगा। अगर मान लिया ए जो है एच के अंदर है तो एच सबसेट है जी का, एच सबसेट है किसका जी का, तो जाहिर सी बात है ए बिलोंग्स टू जी होगा ही होगा, ये फिक्स है, कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे को यहाँ से ये प्रूफ करना चाहिए था लेकिन कोई बात ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि ग्रुप के अंदर को दूसरा एलिमेंट ले लूँगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही जगह मैं बी दे दूँ डजेंट मैटर्स, क्लियर। मेरे को दिखाना है कि ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स और सब ग्रुप के एलिमेंट का इन्वर्स, दोनों के दोनों इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप दोनों सेम होते हैं, ध्यान से सुनना। चलो भाई पहले ग्रुप की बात करता हूँ, फोर ग्रुप जी। ए क्या है, ए बिलोंग टू द जी है, आपको पता है ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, अगर कोई भी एलिमेंट ग्रुप का एलिमेंट है उस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, तो सपोज दैट मैं वही कह रहा हूँ दियर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट होगा बी बिलोंग्स टू जी होगा एंड बी इज द इन्वर्स ऑफ क्या मान लिया मैंने, ऑफ ए। बी अगर ए का इन्वर्स है इन जी के अंदर, जी की बात कर रहा हूँ ग्रुप की बात हो रही है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स, बाय इन्वर्स डेफिनेशन, इन्वर्स की जो डेफिनेशन है बेटा इन्वर्स की डेफिनेशन बोलती है एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ गुणा करने के बाद आइडेंटिटी आना चाहिए, यही है ना, क्लियर। फिर बता रहा हूँ अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, यहाँ से है कंडीशन, अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो इस एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होता ही होता है, मैं वही कह रहा हूँ अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है तो उस एलिमेंट का इन्वर्स होगा ही होगा, और अगर वो बी जो है ए का इन्वर्स है तो दोनों के गुणा के बराबर आइडेंटिटी होती ही होती है, आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ये, क्लियर। सब ग्रुप आ जाओ, फोर सब ग्रुप, अगर सब ग्रुप की बात है सब ग्रुप के अंदर क्या होगा भाई, मेरे को बताया कि ए बिलोंग्स टू द सब ग्रुप है, ए बिलोंग्स टू द एच है, अगर भाई आपको भी बताया अगर सब ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, सो दैट दियर एग्जिस्ट, उल्टे ही को दियर एग्जिस्ट बोलते हैं, इसके ए का जो है ना, ए का इन्वर्स जो है ना मैंने मान लिया, सो दैट दियर एग्जिस्ट, सपोज दैट सी है, सी जो है बिलोंग टू एच है, एंड मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ सी इज द इन्वर्स ऑफ, अगर सी किसका इन्वर्स है, सी इज द इन्वर्स ऑफ ए इन एच, क्लियर। अगर सी जो है ए का इन्वर्स है तो डेफिनेशन क्या होगी, ए इंटू सी बराबर किसके होगी, ई के, आपने ये भी ई के बराबर लिख दिया, ये भी ई के बराबर लिख दिया, बेटा इसलिए लिख दिया आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप एंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सब ग्रुप आर सेम, प्रूफ दिया है मैंने, दोनों के दोनों बराबर होते हैं, सेम होते हैं, तो ये जो है, ये जो ई जो है अगर ग्रुप के अंदर तो होगा ही होगा, ई जो है सब ग्रुप के अंदर भी होगा। अब दोनों को बराबर करके देखना बेटा, ए बी इजिक्वल टू क्या निकल गया, ए सी निकल गया ना, ए बी इजिक्वल टू क्या निकल गया, इसको ये फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फर्स्ट और सेकंड से ए कैंसिल, बी बराबर क्या निकल गया, सी, बी क्या है इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, समझने की कोशिश करना, सी क्या है, सी देखो आप, सी इज़ द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए, एक सब ग्रुप के अंदर है, एक ग्रुप के अंदर है, एक ग्रुप के अंदर है, एक सब ग्रुप के अंदर है, कंक्लूजन क्या निकल गया, द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सब ग्रुप, क्लियर। समझ में आती है, मेरे से लिखवाओ या ना लिखवाओ मैं वही कह लूँगा, मैं लिख भी दूँगा, सो दैट बी इज इक्वल टू कितना निकला, बी इज इक्वल टू निकला मेरे पास सी, सो दैट क्या कहूँगा मैं, क्या कह सकता हूँ, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ एच, इन्वर्स शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एलिमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू इन्वर्स एलिमेंट ऑफ जी, दोनों बराबर होते हैं, यही तो प्रूफ करना था आपको, देखो आप क्या प्रूफ करना था,
इनवर्स एलिमेंट ऑफ एच इन जी इज द सेम इनवर्स ऑफ एच, इनवर्स ऑफ एच इनवर्स ऑफ जी। क्लियर, आगे की तरफ चलते हैं। सामने आएगा आपके प्रूफ, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल देना। आगे की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी समान होता है भाई। ओके, अब की बार ऑर्डर की बात कर रहा है। नंबर थ्री, ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज द सेम ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ओके, मेरे को प्रूफ करना है कि टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। ये तो प्रूफ करना है। देखो आप लास्ट एलिमेंट, आगे की तरफ चलते हैं भाई। अब फिर समझने की कोशिश करना, मेरे को गिवन क्या है। बहुत आसान है यार, गिवन जी जे ग्रुप, तो जाहिर सी बात है जी नॉट इज इक्वल टू भाई होगा, इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। क्लियर, एच इज ए सब ग्रुप, अगर एच सब ग्रुप है तो जाहिर सी बात है एच सबसेट होगा किसका, जी का। जो एलिमेंट सब ग्रुप के अंदर हैं वो ग्रुप के अंदर होंगे ही होंगे, जो एलिमेंट सब ग्रुप का है ग्रुप का एलिमेंट होगा ही होगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। सपोज दैट, ध्यान से देखना बेटा, सपोज दैट दोनों के अलग अलग मानते हुए चलूँगा, सपोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एन ए वाला कितना मान लिया एम, किसके अंदर मान लिया इन एच सब ग्रुप के अंदर। तो मैंने मान लिया कि सब ग्रुप के अंदर ए का ऑर्डर एम है, और मैंने क्या सपोज किया ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन है इन जी। ग्रुप के अंदर सब ग्रुप का, सॉरी ग्रुप के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कितना है एन। मेरे को प्रूफ करना है अब, टू प्रूव दैट, अब मेरे को दिखाना है टू प्रूव दैट एन बराबर एम दिखाना है। अब मेरा टारगेट ये है कि दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन यही है ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी, दोनों के दोनों सेम होते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है। अब मेरा टारगेट है एम बराबर एन दिखाना है। एक बात बताओ बच्चों, यहाँ से सुनो, अगर मान लिया इसकी बात करता हूँ ऑर्डर ऑफ ए की पावर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू अगर एम है, इस लाइन का ऑर्डर की डेफिनेशन से मतलब निकलता है कि ए की पावर एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यही तो मतलब निकलता है ना, निकलता है ना, यही तो डेफिनेशन ऑर्डर की। मैं लिख भी रहा हूँ ऑर्डर की डेफिनेशन, आपने अगर मेरे सारे लेक्चर देखे हो तो आपको क्लियर होगा ऑर्डर की डेफिनेशन, और ये किसके अंदर है इन एच। और सेकंड डेफिनेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है एन है, इसका मतलब निकलता है कि ए की पावर एन इक्वल टू कितना आइडेंटिटी, यही तो मतलब निकलता है ना, क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम। अगर दोनों को, ये किसका किसके अंदर है जी के अंदर, अगर दोनों की बात करूँ ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना होएगा ए की पावर एन होएगा ना, क्लियर है ना, ये भी ई दोनों को बराबर कर सकता हूँ, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर। आगे चलते हैं, अगर ये हो चुका अगले वाले पेज पर देखते हैं। देखो भाई क्या हो रहा है, कितना निकल गया आपके पास ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना निकल गया बेटा ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर है। अगर मैं दोनों तरफ, ध्यान से सुनना, मैं दोनों तरफ बोथ साइड, एक तरफ नहीं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं ए की पावर माइनस एन से, ए की पावर माइनस एन, तो इधर कितना निकल गया बेटा ए की पावर माइनस एन इंटू ए की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू ए की पावर माइनस एन। सवाल पैदा होता है माइनस ए की पावर माइनस एन से गुणा क्यों कर रहे हो, बेटा ए की पावर माइनस एन से गुणा इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ सब ग्रुप के
के अंदर जो इन्वर्स एलिमेंट होता है और ग्रुप के अंदर जो इन्वर्स एलिमेंट होता है वो सेम होता है। इन्वर्स एलिमेंट का मतलब पावर नेगेटिव सब होता है। ओके, तो ए की पावर माइनस एन से दोनों तरफ गुणा किया जा सकता है। यहाँ कितना निकल गया भाई, ए की पावर एम माइनस एन होएगा इज इक्वल टू ए की पावर एन माइनस एन होएगा। यहाँ से कितना निकला, ए की पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू ए की पावर ज़ीरो। ए की पावर ज़ीरो का मतलब कितना, वन। ए की पावर एन माइनस एम, सॉरी उल्टा लिख दिया है मैंने, ए की पावर एम माइनस एन इज इक्वल टू गुणा किया है ना मैंने, गुणा के केस में ई इज इक्वल टू कितना होता है, वन। इज इक्वल टू ई आ चुका, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ, वहीं से चलो आप, ए की पावर एम माइनस एन, वहाँ से ज़्यादा क्लियर होगा। इज इक्वल टू कितना, ए की पावर ज़ीरो बोले तो वन। यहाँ से आगे चलना भैया, बेस से बेस खत्म, एम माइनस एन इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। एम बराबर कितना निकल गया, एन। एम क्या था भाई, देखो आप, अब एम आ जाओ आप, एम कितना था, एम की वैल्यू डालो, एम बराबर ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए किसके अंदर था, इन एच। एन बराबर क्या था, ऑर्डर ऑफ ए किसके अंदर था, इन जी, दोनों बराबर हैं तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ये किसके अंदर है, इन एच, ये किसके अंदर है, इन जी। प्रूफ क्या करना था कि दोनों के अंदर ऑर्डर कितने होते हैं, सेम होते हैं। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एच इज़ द सेम ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी। आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, वरना लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। ओके, बाय।